राजस्व निरीक्षक पर बीजेपी एमएलए भड़क उठे। ये मामला सीतापुर का है। 4000 के रिश्वत लेने पर भड़के बीजेपी एमएलए ज्ञान तिवारी। राजस्व निरीक्षक कुर्बान अली को उन्होंने फटकार लगाई। ग्राम चौपाल के दौरान एमएलए से ग्रामीण ने की थी शिकायत। जमीन की नाप के लिए रिश्वत लेने का आरोप लगाया था, जिसके बाद बीजेपी के विधायक ने रिश्वत के रुपए वापस लौटाने को कहा। रेउसा क्षेत्र में विधायक ने चौपाल लगाई थी। इधर बीजेपी नेता अपर्णा यादव ने सीएम योगी से मुलाकात की। अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से शिष्टाचार मुलाकात की, जिसकी तस्वीरें सामने आई हैं। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और इस दौरान अपर्णा यादव ने मुख्यमंत्री को एक तस्वीर भेंट की है। ये तस्वीर सीएम और उनकी ही है, तो उन्होंने मुख्यमंत्री को भेंट स्वरूप दी। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव आज रामनगरी अयोध्या पहुंचे। उन्होंने राम मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष महंत नृत्य गोपाल दास के जन्मोत्सव के मौके पर आयोजित संत सम्मेलन में हिस्सा लिया। सीएम मोहन यादव ने कहा कि उनकी कामना है कि अयोध्या में जैसे श्री राम मुस्कुरा रहे हैं, उम्मीद है कि मथुरा की तरफ अभियान चलाकर भगवान श्री कृष्ण के धाम को भी जगमगाया जाएगा। तो राम जन्मभूमि न्यास के साथ साथ भगवान कृष्ण की जन्मभूमि के भी अध्यक्ष हैं। मैंने कामना की है कि जैसे भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं, उम्मीद करेंगे वह अयोध्या से मथुरा की तरफ अभियान चला करके भगवान कृष्ण को भी मुस्कुराते हुए और पूरे जगत में भगवान कृष्ण के उस धाम को वो भी जगमगाएंगे। इधर कैबिनेट मंत्री संजय निषाद ने बताया कि 10 विधानसभा की सीटों पर होने वाले उपचुनाव में निषाद पार्टी की ही हिस्सेदारी रहेगी। ये बीजेपी को तय करना है कि कितनी हिस्सेदारी होगी। उन्होंने दावा किया कि उपचुनाव मिलकर लड़ा जाएगा। निषाद पार्टी भारतीय जनता पार्टी मिलकर चुनाव लड़ती है और शीर्ष नेतृत्व लगभग तय करता है। इससे पहले एक परंपरा रही है कि जिस पार्टी की सीट रही है उस पार्टी का आदमी उम्मीदवार घोषित होता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से तालमेल मिला। हम लोग 10 की 10 सीटें जो खाली हुई है उस पर हम लोग कामयाबी मिलकर लड़ेंगे। और निषाद पार्टी भी दो जगह, एक जगह हम हार गए थे कटहरी, वो भी हमारी है, और एक हम मझवा में हैं, वहाँ हमारे विधायक थे, अभी वो सांसद हो गए हैं। तो ऐसे में हम 10 के 10 लड़ेंगे, लेकिन इससे पहले ही परंपरा रही है भारतीय जनता पार्टी जिसकी पार्टी रही उसको जीते रही है, इसलिए हम लोग लड़ेंगे। और अब बात मौसम की करते हैं। उत्तर भारत में जहां पिछले 1.5 महीने से गर्मी ने परेशान कर रखा है, तो वहीं पूर्वोत्तर के राज्य बाढ़ की चपेट में हैं। असम के 15 जिलों के 450 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में हैं। वहीं मेघालय में भी बारिश मुसीबत बनती दिख रही है। मौसम विभाग के मुताबिक आने वाले वक्त में पूर्वोत्तर राज्यों में हालात और भी ज्यादा खराब हो सकते हैं। एक तरफ उत्तर भारत में जहां गर्मी ने बेहाल किया है, तो वहीं पूर्वोत्तर भारत में कुदरत की टेढ़ी नजर पड़ी हुई है। सिक्किम के बाद में असम में भारी बारिश के बाद बाढ़ ने हाहाकार मचाया है। असम के कई जिलों में भारी बारिश के बाद हालात बिगड़ते जा रहे हैं। बारिश और बाढ़ के कहर से 25 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। असम के करीमगंज जिले में बाढ़ जैसे हालात है। जोरदार बारिश की वजह से निचले इलाके पूरी तरह से पानी में डूब चुके हैं, जिससे कि आम जनजीवन पटरी से उतर गया है। हालात ऐसे हो गए हैं कि लोगों को अपने घर छोड़ने पड़ रहे हैं। रिहायशी इलाकों में पानी की घुसपैठ हो गई है, जिससे घरों में भी पानी ने डेरा जमा लिया है। ऐसे में घरों में रहना संभव नहीं हो पा रहा है। भारी बारिश की वजह से करीमगंज में बहने वाली नदियां खतरे के निशान के ऊपर चल रही हैं। कुशियारा, लुंगई और सिगरा का जल स्तर खतरे के निशान को पार कर चुका है, जिससे प्रशासन के भी हाथ पांव फूल गए हैं। प्रशासन हालात पर नजर बनाए हुए है। राहत शिविर बनाए जा रहे हैं, जहां लोगों के लिए खाने पीने के भी इंतजाम किए जा रहे हैं। जिले के करीब 225 गांव बाढ़ से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं। करीब 22,000 लोगों ने अपने घरों को छोड़ दिया है। सभी राहत शिविरों में रह रहे हैं लोग। लोगों की परेशानी को देखते हुए SDRF की टीम भी तैनात की गई है।
15 जिलों में रह रहे लाखों लोग बाढ़ की मार झेलने को मजबूर हैं। ज्यादातर सभी इलाके पानी में समाये हुए हैं। हर तरफ मटमैला पानी दिखाई दे रहा है। नदी किनारे बसे मकानों पर खतरा मंडराने लगा है, क्योंकि बारिश की वजह से कई नदियां उफान पर हैं। कई दिनों से जारी मूसलाधार बारिश थमने का नाम नहीं ले रही है। कुछ जगहों में तो लोग इधर से उधर जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। सड़कों का नामो निशान मिट चुका है। 15 जिलों के 450 से ज्यादा गांव बाढ़ की चपेट में आ चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। बारिश ज्यादा होने की वजह से कई सड़कें भी बह चुकी हैं। मेघालय पर भी मौसम की मार पड़ती हुई दिखाई दे रही है। यहां के 6 जिलों में बारिश का कहर देखा जा रहा है। लगातार हो रही बारिश से आवागमन भी बाधित हो गया है। बारिश की वजह से सड़कों पर भी पानी दिखाई दे रहा है। पानी के बीच में एक गाड़ी भी पलट गई और गाड़ी को देखने के लिए लोगों की भीड़ भी जमा हो गई। मेघालय के 6 जिलों के 42 जिलों में बाढ़ के हालात पैदा हो गए। बारिश की वजह से जगह जगह पर सड़कों पर कीचड़ है। कीचड़ भी मुसीबत का सबब बना हुआ है, क्योंकि इसमें भी गाड़ियां फंसी हुई दिखाई दी। बारिश की वजह से मेघालय के गारो, खासी और जयंतिया हिल्स में जबरदस्त बारिश हुई। सबसे ज्यादा असर गारो हिल्स में दिखाई दे रहा है। हजारों लोग प्रभावित हैं। वहीं सिक्किम में थोड़ी राहत की खबर है। यहां पिछले दिनों भूस्खलन से हजारों सैलानी फंसे हुए थे। 1200 से ज्यादा पर्यटकों का रेस्क्यू कर लिया गया है। मंगन इलाके में ज्यादा सैलानी फंसे हुए थे। यहीं बारिश ने ज्यादा तबाही मचाई थी। रेस्क्यू का काम लगातार चल रहा था, लेकिन बीच बीच में बारिश बाधा बनकर खड़ी हुई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। पीलीभीत से लापता हुई छात्रा 8 दिन बाद चिमनी गांव में बेहोशी की हालत में मिली। पुलिस ने पीड़िता को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है। मामला थाना सहरामऊ का है। छात्रा नर्सिंग की पढ़ाई कर रही है। एसपी ने बताया कि पीड़ित पिता के तहरीर के आधार पर जांच पड़ताल चल रही है। उनके द्वारा जो गांव के अन्य समीप के रहने वाले लोग हैं या अन्य किसी लॉ एनफोर्समेंट से इस चीज़ की जानकारी साझा नहीं की गई। 13 तारीख को उनके द्वारा कोतवाली पूरनपुर में संपर्क किया गया एवं 14 तारीख को उनके द्वारा थाना सहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में संपर्क किया गया। थाना सहरामऊ उत्तरी क्षेत्र में जब इनके द्वारा एप्लीकेशन दी गई तो तत्काल उसमें विधि कार्रवाई करते हुए गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई। और अगली खबर प्रयागराज से, जहां 16 जून को लापता 3 नाबालिग बच्चों को पुलिस ने सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक तीनों बच्चे क्रिकेट खेलने को लेकर माता पिता की डांट से नाराज होकर घर छोड़कर चले गए थे। एक बच्चा 600 रुपए लेकर घर से निकला था। सबसे पहले बच्चे हंडिया रेलवे स्टेशन पहुंचे, वहां से ट्रेन में बैठकर वाराणसी पहुंच गए और फिर वहां से सूरत। पैसे खत्म होने के बाद तीनों प्रयागराज जंक्शन लौट आए, जहां से पुलिस ने तीनों को बरामद किया है। जिस पर प्रभारी निरीक्षक द्वारा अभियोग पंजीकृत किया गया तथा तत्काल मेरे द्वारा 6 टीमों का गठन किया गया, जिसमें अथक प्रयास कर प्रभारी निरीक्षक द्वारा आज बच्चों को प्रयागराज जंक्शन से बरामद कर लिया। तीनों बच्चे सकुशल हैं, सुरक्षित हैं और सही। उत्तर प्रदेश के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने गोष्ठी का उद्घाटन कर बुंदेलखंड कानपुर के किसानों की समस्याओं को सुना, साथ ही तमाम समस्याओं के समाधान का भरोसा भी दिलाया। कई फसलों पर एमएसपी बढ़ाने के मोदी कैबिनेट के फैसले को उन्होंने सही बताया। कृषि मंत्री ने बताया कि कैबिनेट के इस फैसले से किसानों को उचित मूल्य मिलेगा। मैं प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ उत्तर प्रदेश के सभी किसान भाइयों की ओर से कि उन्होंने खरीफ की फसल लगने के पहले ही खरीफ के फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य कल घोषित उनकी सरकार ने किया है और दलहन और तिलहन पर विशेष रूप से फोकस करते हुए उसकी कीमतों में भारी इजाफा किया है। मैं और अगली खबर गाजीपुर से, जहां वाराणसी एंटी करप्शन टीम ने स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ सहायक को 40,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़ा है। टीम ने गाजीपुर के सदर कोतवाली क्षेत्र के गोरा बाजार से आरोपी को रंगे हाथ गिरफ्तार किया। कर्मचारी पर पैथोलॉजी लैब के नवीनीकरण के लिए रिश्वत लेने का आरोप है।
उधर आजमगढ़ में घूस लेते कानूनगो का वीडियो वायरल हुआ। मामला बुढ़नपुर तहसील का है, जहां एक कानूनगो का घूस लेते वीडियो वायरल हुआ है। एसडीएम ने जांच का भरोसा दिया है। जमीन की पैमाइश के लिए इसने रिश्वत मांगी थी। फोटो खींचला, घूस लेके नाप रहे हैं, 4,000 रुपया घूस लेके नाप रहे हैं। इधर आजमगढ़ में सीआईएसएफ जवान से क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाने के नाम पर साइबर ठगी का एक मामला सामने आया, जिसके बाद पुलिस ने जांच पड़ताल की शुरुआत कर दी है। पुलिस के मुताबिक ऐसे 2 मामले सामने आ चुके हैं। एसपी ट्रैफिक ने बताया कि साइबर टीम ने दोनों पीड़ितों का पैसा वापस करा दिया है। नोडल अधिकारी ने लोगों से अनजान लिंक पर बिना सोचे समझे क्लिक न करने की नसीहत दी है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ महोदय द्वारा साइबर क्राइम के अपराधियों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। जनपद आजमगढ़ में एक साइबर सेल स्थापित है, उसमें जो भी शिकायतें प्राप्त होती हैं ऑनलाइन फोन द्वारा, उस पर तत्काल कार्रवाई करके और जन सामान्य की मदद की जाती है। विगत दिनों में 2 घटनाएं। भगवान राम की नगरी में सरयू महोत्सव का आगाज हो चुका है। आज धार्मिक अनुष्ठान के साथ साथ सरयू की महाआरती की गई, जिसमें प्रभारी मंत्री सूर्यकांत शाही और पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह पहुंचे। अयोध्या में भव्य सरयू महोत्सव का आगाज हुआ है। 1 हफ्ते तक ये महोत्सव चलेगा। 26 जून को सरयू महोत्सव का समापन होगा। कार्यक्रम शुरू हुआ है, ये देश और दुनिया को एक नया संदेश देने का काम करे और उत्तर प्रदेश में जीवन रेखा के रूप में सरयू मैया की कृपा हम सबको मिलती रहे, हम पर सनातन की कृपा मिलती रहे, राम जी की कृपा हम सब पर मिलती रहे। इस पवित्र भूमि से यही हम संदेश देना चाहते हैं।